हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ दही चिकन रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता फ्रेंड्स है। तो पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 600 ग्राम चिकन, और चाहिए 3 प्याज स्लाइस किया हुआ, एक इलायची छोटा टुकड़ा दालचीनी और 2 लौंग, एक आलू, जीरा, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही, और चाहिए अदरक लहसुन पेस्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं दही में थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से फेंट लिया है। तो चिकन को पहले मैरिनेट करना है। तो पहले डाला है दही। यहाँ पे मैं 100 ग्राम दही यूज़ की हूँ, और चाहिए लहसुन 1 चम्मच, लहसुन 1 चम्मच, अदरक 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर, और चाहिए फ्रेंड्स सरसों तेल। मैं हमेशा चिकन को सरसों तेल से मैरिनेट करती हूँ। थोड़ा सा सरसों तेल डाला है। अब जो है अच्छे से मैरिनेट करना है चिकन को इसी मसाले के साथ। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से, यहाँ पे मैं दही डाली हूँ तो अपने आप चिकन जो है पानी छोड़ेगा। अगर इसी टाइम पे मैं नमक भी डाल दूँ तो बहुत सारा पानी निकलेगा और टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं ग्रेवी में नमक डालती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आलू फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों का आलू पसंद नहीं है वो ये आलू यहाँ पे इस रेसिपी में पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैं कढ़ाई में इलायची, लौंग, दालचीनी डाल दिए, और मैं प्याज भी डाल रही हूँ। अभी जो है फ्रेंड्स, प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। नमक भी डाल दीजिए प्याज में, तो जल्दी से पक जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को अच्छी तरीके से गोल्ड ब्राउन यहाँ पे हो गई है। तो अभी मैं चिकन मैरिनेट किया हुआ वो डाल दी हूँ। अब जो है चिकन को प्याज के साथ बहुत अच्छे से पकाना है। यहाँ पे सारे मसाले कच्चा है, चिकन भी कच्चा है, तो टाइम लगता है। तो अभी जो है थोड़ा 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में अच्छे से भून लीजिए चिकन को। और ढक्कन लगा दीजिए। अब जो है फ्रेंड्स, मैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, सॉरी, दो दो चम्मच, 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाली हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो है गैस फ्लेम एकदम धीमी कर देना है, क्योंकि चिकन को अच्छे से पकना है। पकने में टाइम लगता है, और सारे मसाले भी कच्चा है, वो सब भी पकेगा चिकन के साथ। तो धीमी आंच करके अभी ढक्कन लगा के आपको पकाना है। यहाँ पे देखिए, मैं सारे मसाले एक साथ में मिला रही हूँ चिकन के साथ। ढक्कन लगा दिया है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, मैं खोल के फिर से चला रही हूँ। ऐसे बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, नहीं तो नीचे में लग जाएगा, कढ़ाई के नीचे में लग जाता है ग्रेवी। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल ऊपर में आ रहा है।
आपको अभी भी इसी चिकन को भूनना होता है बहुत टाइम तक। ढक्कन लगा के अब जो मैं यहाँ पे मेरा फ्राई किया हुआ आलू डाल दिया डाल दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना तेल ऊपर में आ रहा है। आप जितना पकाओगे चिकन को यहाँ पे ग्रेवी में, आप देखोगे धीरे धीरे आपका चिकन ग्रेवी का जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होने लगेगा। जितना डार्क होगा उतना ही मसाला अच्छे से पकेगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। मैंने यहाँ पे चिकन को भुना है, पूरे 20 से 25 मिनट तक भुना है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं एक छोटा कटोरी पानी यहाँ पे डाल दिए ताकि अच्छे से सब एक साथ में मिल जाए और थोड़ा सा बॉयल भी हो जाए। ग्रेवी को हम लोग जितना भी पकाए उसके बाद थोड़ा सा पानी दे के बॉयल कर लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मैं 2 मिनट तक बॉयल करने के लिए रखा था। अब देखिए पूरा पानी सूख चुका है। देखिए एकदम रेडी हो चुका है मेरा दही चिकन रेसिपी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में आके मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल है उसको ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।